वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं बनाने जा रही हूं सूजी और आलू का बहुत ही न्यू वो नाश्ता है जो बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में काफ़ी टेस्टी और चटपटा लगता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। और इस लॉकडाउन में तो आप इस तरह का नाश्ता बनाएंगे घर में सभी को पसंद आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक खाली बाउल में एक कटोरी बारीक वाली बहुत ही महीन सूजी ली है। अगर मोटी सूजी है तो आप मिक्सी जार में डालकर पीस लीजिए। और यहाँ पर मैंने आधी कटोरी जो है दही लिया है, ये घर का बना हुआ दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है और खट्टा नहीं, नॉर्मल दही लिया। यहाँ पर आधी कटोरी ही उसी नाप से मैंने पानी डाल दिया है और बस इन तीनों को मिलाना है। सूजी दही और पानी को अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का ये अभी गाढ़ा गोल जो है बैटर मैंने तैयार कर लिया है सूजी दही का। और इसको रेस्ट करने के लिए मैं ढक के रख दूँगी 15 मिनट के लिए। तो इसको एक साइड से रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने बॉइल्ड आलू लिए हैं 3, वो वाली हैं, और मैंने यहाँ पर कद्दूकस से घिस लिए हैं जिससे कि जो गुठलियाँ हैं वो ना रहें। और यहाँ पर मैंने एक प्याज, बड़ा प्याज जो है कट कर लिया महीन, लहसुन की कुछ कलियाँ, 2 हरी मिर्च और अदरक जो है वो भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और बस उसमें 2 चम्मच मैंने ये रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, कोई सा भी जो खाने वाला ऑयल डाल दीजिए। और यहाँ पर मैं सरसों या निराई डाल रही हूँ, वो चटक गई है। यहाँ पर हम आलू का मसाला तैयार कर रहे हैं। ये मैंने प्याज डाल दिया है, जिस तरह से डोसा में आलू का मसाला बनाते हैं उसी तरह का। और प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे हम उसको। और इसी के साथ फ्रेंड्स, मैंने ये लहसुन की कुछ कलियाँ, आप चाहें तो पेस्ट भी बना लें लहसुन अदरक का, मैंने यह कट करके डाला है। और हरी मिर्च अदरक भी डाल दूंगी मैं। इसे इनको चला लेंगे और गैस का फ्लेम जो है सिम ही रखें, मीडियम और सिम ही रखें जिससे कि ये जल ना जाए। मसाले वगैरह जब भी आप भूनें तो गैस का फ्लेम कम ही रखें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डाल दिया है और नमक जो है हम सूजी के बैटर में भी बाद में डालेंगे, इसलिए थोड़ा हिसाब से ही नमक डालें आलूओं में। और यहाँ पर आप चाहें तो गर्म मसाला डाल दें, मैंने यहाँ पर डाला है पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली हुई है, और हल्दी पाउडर, इन सबको मिला लूँगी मैं अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लें। और जो हमारे मसाले हैं वो भुन गए हैं, इसके साथ ही मैंने जो आलू कद्दूकस करके रखे थे उनको डाल दूँगी मैं। और आलू को जो मसालों के साथ अच्छे से मैश करना है फ्रेंड्स, मसाले जो हैं अच्छे से मिल जाएं आलूओं के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी मसाले जो हैं आलू के साथ मिल गए हैं। और इसमें अब मैं हरा धनिया और कट करके डालूंगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये हरा धनिया है, थोड़ा सा मैंने कट करके डाल दिया है। और आलू अच्छे से मैश करके ये ठंडा हो जाए तो मैंने यहाँ प्लेट पर निकाल लिया है। इस तरह से छोटी छोटी गोल टिक्की बना के रखनी है, पहले ही बना कर रख लें गोल टिक्की जो है, छोटी छोटी गोल टिक्की इस तरह से आलू की। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की मैं सभी आलू का जो है इसी तरह से गोल गोल टिक्की जो है बना कर रख लूँगी।
यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सभी जो है आलू की इस तरह से टिक्की बनाकर रख ली हैं। अब चलिए बैटर को देख लेते हैं जल्दी से। 15 मिनट हो गया है और काफ़ी हमारी सूजी जो है फूल गई है और बैटर भी जो है काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब तो इसमें मैंने यहाँ आधा कप पानी जो है लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला के इस तरह का बैटर बनाना है, जैसे कि हमें इडली का बैटर बनाते हैं, इडली डोसा का जो बैटर रहता है उसी तरह का पतला करना है। तो आधी कटोरी पानी पहले डाला था, चला के थोड़ा थोड़ा पानी डालकर देख लें कितना डलेगा। तो जो बैटर है फ्रेंड्स, आधे कप से भी कम पानी डाला है मैंने अभी, और इस तरह का रहेगा बैटर। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि आलूओं में भी है नमक, और ये खाने वाला जो सोडा है वो मैंने डाल दिया है। और ज़्यादा नहीं चलाना, बस ये बैटर हमारा तैयार है नाश्ते के लिए। तो गैस पर मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने आधा चम्मच तेल जो है अच्छे से ग्रीस कर दिया है कढ़ाई में, और चमचे की सहायता से इस तरह से बैटर को फैलाना है, जिस तरह से चीला बनाते हैं ऐसे छोटा सा चीला बनाना है। और करीब 1 मिनट बाद हल्का सा नीचे सिक जाएगा, उसके बाद ये आलू की टिक्की जो बना कर रखी थी हमने, आप चाहें तो और भी बड़ी आलू की टिक्की बना लें, किनारे तक आ जाएगी। तो इस तरह से टिक्की रखें आलू की, और उसके ऊपर से एक बार फिर से उसको कोट करना है, आलू की जो टिक्की है वो दिखाई ना दे, और ऊपर से इस तरह से बंद कर देनी है सूजी का बैटर ऊपर से डालकर। दो से 3 मिनट लगेगा बस, आराम से बहुत ही जल्दी सिक जाता है। और पूरी फैमिली का नाश्ता जो है एक कटोरी सूजी में काफ़ी हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा नाश्ता है ये। और ढक दूंगी जिससे कि जल्दी हो जाए पाप की सहायता से। तो ये हमारा एक साइड से सिक गया, इसको पलट देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए कितना अच्छा सिक गया है, काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। और दूसरे साइड से भी 1 से 2 मिनट सिक जाने देंगे। तो यहाँ ढक्कन हटा के देख लिया है फ्रेंड्स, ये दोनों साइड से जो है सिक गया है। दबा दबा के आराम से इसको सेक लें। तो देखिए दूसरे साइड से भी काफ़ी अच्छा ब्राउन जो है सिक गया है। तो इसको प्लेट में मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से फ्रेंड्स दूसरा भी बनाएंगे। पहले थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, उसके बाद सूजी का बैटर डालेंगे, और 1 मिनट होने के बाद हो जाएगा सूजी का बैटर, थोड़ा नीचे से सिक जाएगा। उसके बाद जो आलू की टिक्की है उसके ऊपर रख देंगे। और फिर से सूजी का बैटर थोड़ा सा लेकर एक चम्मच की सहायता से इस तरह से उसको बंद कर देना है। और इस तरह से ढक्कन को लगा देंगे जिससे कि जल्दी हो जाए सिक जाए वो। और एक साइड से सिक गया है, अब इसको पलट दूंगी मैं। तो देखिए ये भी सिक गया है। और गाइज इस तरह से ये जो है सभी नाश्ते को मैं सेक लूँगी, निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये देखिए तो बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाते हैं, सुबह या शाम को कुछ चटपटा खाने का मन हो तो जल्दी से बना लीजिए बस। ये देखिए तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने सभी सेक लिए हैं। अब फ्रेंड्स ये देखिए दोनों साइड से सिक गए हैं। अब इनको सर्व करने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ चाकू की सहायता से 2 भाग में कर लूँगी, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसे कट कर लें और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी,
खाने में तो है ही टेस्टी और डिलीशियस, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसे आप चटनी, हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिएगा। इसी तरह से मैं सबको कट कर लूँगी और काफ़ी स्पंजी भी सिका हुआ है, और यहाँ सभी से एक एक कट करके मैंने सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लिए हैं। तो इसको मैं टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपको ये आलू और सूजी की हमारी जो रेसिपी है अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नीलम रावत सिंपल टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन दिया है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।